तो सबुठ फर्स्ट देखो आम देखा कौन ना वार्ड रूट। तो वार्ड रूट टा केमी देख ना जदि आमर गोटे कार्बन थी तो ता ना टा कौन हम स्टार्टिंग रे जदि दुईटा कार्बन थी तो ता ना टा कौन हम तीन टा कार्बन थे कौन हम तो सीटा देख फर्स्ट देखा है। तो सबुठ फर्स्ट देख आम कौन अच्छी ना जदि मन कर गोटे कार्बन थी है C1 गोटे कार्बन थे ता ना टा कौन आसो ना मिथ। जदि मोर दुईटा कार्बन थी तो ना कौन आसो इथ है। जदि मोर तीन टा कार्बन थी तो ना आसो प्रोप। जदि मोर चारटा कार्बन थी ना आसो ब्यूट। जदि मोर पांचटा कार्बन थी ना आसो कौन पेंट है। सेम सेमती देख जदि मोर छटा कार्बन थी आसो हेक्स। जदि सातटा थी आसो हेप्ट। जदि आठटा कार्बन थी आसो ऑक्ट। जदि नौटा कार्बन थी आसो नॉन। जदि दसटा कार्बन थी आसो टेक। जनरली हमको एतिक जिनस मन रखा पड़ो एतिक जिनस मन न रखिले आम आगु किसी जानी पारिबानी। तो सब बड़े वार्ड रूट रे हमें कौन मन रखिबा ना जदि गोटिया कार्बन अछि त नाटा केमिति स्टार्ट होतो मेथ रे स्टार्ट होतो। जदि दुईटा कार्बन एटम अछि तो इथ रे स्टार्ट होबो। जे तीनोटी कार्बन एटम अछि नाटा होबो प्रोप। चारटी कार्बन थिले ब्यूट। पांचटी कार्बन थिले पेंट। छटी कार्बन थिले हेक्स। सातटी कार्बन थिले हेप्ट। आठटी कार्बन थिले ऑक्ट। नौटी कार्बन थिले नॉन आ 10टी कार्बन थिले डेक। एबे जिम देख प्रायत समस्त दुईटा ना था घरे गोटे ना रे डाकती आउ स्कूल रे कि कॉलेज रे गोटे ना दिया है घरे जो ना डाकती डाक ना कहे। सेमती हमर ऑर्गेनिक कंपाउंड रो भी दुईटा ना था है। दुईटा ना कौन ना जोड़ा को कॉमनली हम यूज करू ताको कहवे कॉमन नेम। आउ जो इंटरनेशनली जो ना रे गोटे कंपाउंड ता परिचित से ना कहे कौन ना IUPAC है। तो IUPAC रो फुल फॉर्म है कौन ना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। कौन सी गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड रो हमको दुईटा जाक नाम मन रखा पड़ो कॉमन नेम IUPAC नेम है। बेले बेले एग्जाम रे कौन करे ना कॉमन नेम देखना क्वेश्चन पचार दिए। बेले बेले कौन करे ना IUPAC नेम। मोस्ट प्रेफरेंसली IUPAC नेम टा ही यूज है किंतु कॉमन नेम भी जानी थिबा दरकार। तो एबे हमें देखिबा फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जोड़ा हला हमर कोन ना अल्केन। तो अल्केन रो केतरा बॉन्ड थी सिंगल बॉन्ड थी। अल्केन रो जनरली सफिक्स टा कौन था ना एन। तो अल्केन रो IUPAC नेमिंग टा केमिति हिथिबो ना IUPAC अल्केन पे लेखा हबो वार्ड रूट प्लस सफिक्स जगह कौन नेबी मु एन। अल्केन रो मोर जनरल फार्मूला कौन आसीबो ना जनरल फार्मूला हला CnH2n प्लस 2। जदि फर्स्ट एन जगह रे 1 पुट करबे कोन हिजबो हमरो C1H2 * 1 + 2 जोडाला कोन C1H4। तो ए केस रे देखो एटा हला मोरो की फॉर्म ना कंडेंस्ड फॉर्म। मु जदि आको एक्सपांडेड फॉर्म रे लिखिबी कोन हबो कार्बन रहला कार्बन रो चारियाडे चारटा हाइड्रोजन हैला। तो आ ना कोन हबो देखो गोटिया कार्बन अछि गोटिया कार्बन थिले वार्ड रूट कोन हबो ना मिथ। सफिक्स टा कौन अच्छी मोर एन। तो आना कौन आसला मिथेन। जदि मु एन जगह रे 2 पुट करबी कौन हबो मोर C2H2 * 2 + 2 जोड़ा आसीबो C2H6 हैला। तो देखो एडा होची तारो कंडेंस फार्मूला। ताको एक्सपांड करके लिखले केमथि लिखबी दुईटा कार्बन अछि आ दुईटा कार्बन एडा केतरा हाइड्रोजन अछि तीनटा हाइड्रोजन। तो याड गोटा हाइड्रोजन एडा गोटा हाइड्रोजन इठी गोटा हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन भीतर के की बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड। इठी गोटा हाइड्रोजन इठी गोटा हाइड्रोजन इठी गोटा हाइड्रोजन। तो आर मोर देखो IUPAC नेम टा कोन आसीबो इडी केतरा कार्बन एटम अछि मोर दुईटा कार्बन एटम। तो दुईटा कार्बन एटम थिबा लागि इडा हिजबो एथ आउ सफिक्स टा कोन अछि एन। तो ना आसला मोर इथेन। तो देखो आरो IUPAC नेम जोटा आरो कॉमन नेम भी सेम सिटा है। मिथेन रो कॉमन नेम मध्ये मिथेन ही आसीबो। सेमते इथेन रो कॉमन नेम मध्ये इथेन ही आसीबो। देखो एबे हमें नेक्स्ट देखिबा अल्किन। तो हमर अल्किन रे केतरा बॉन्ड थाए ना डबल बॉन्ड कंपाउंड थी भला। तो अल्किन केस रे मोर सफिक्स टा कोन हबो ना ENE हैला। सफिक्स हला ENE। देखो तारो IUPAC नेमिंग स्ट्रक्चर टा केमथि हिथिबो ना IUPAC नेमिंग स्ट्रक्चर आसीबो वार्ड रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स टा केते मोर ENE। तो वार्ड रूट संगे ENE लागिथिबो। एबे देखिबा आरो जनरल फार्मूला। आरो जनरल फार्मूला कोन ना जनरल फार्मूला हला CnH2n। फार्मूला रे केते CnH2n। तो एबे देखो मने करो मु कोन करबी n जगह रे 1 पुट करबी। मु n जगह रे कोन पुट करली 1। तो मोर कंपाउंड टा कोन हिजिवो C1H2 * 1 जोडा आसीबो केते C1H2 हला। तो गोटे कार्बन ता चारियाडे केतरा हाइड्रोजन दुईटा हाइड्रोजन। एबे गोटे जिंस देखो ए केस रे कार्बन रे मोर केतरा हाइड्रोजन लगी छी दुईटा हाइड्रोजन टिके जदी तमे कार्बन रो एटॉमिक नंबर को मने पकेबो कार्बन रो एटॉमिक नंबर केते 6 तो मु ताको केमिति लिखिबी 2 4 जो लास्ट सेल रे अछि केतरा इलेक्ट्रॉन मोर 4टा इलेक्ट्रॉन तो 4टा इलेक्ट्रॉन अर्थ हला कोन ना आकु ऑक्टेट कंप्लीट करबा पई आउ केतरा इलेक्ट्रॉन दरकार आउ 4टा इलेक्ट्रॉन दरकार और ये कोन करि परिबो 4टा इलेक्ट्रॉन ने नहीं परिबो और 4टा इलेक्ट्रॉन ने डोनेट करि परिबो तो आर कार्बन रो हमरो वैलेंसी केते ना कार्बन रो वैलेंसी हला 4 तो ए केस रे जदी मु देखिबी कार्बन रो वैलेंसी सैटिस्फाई होउची की होउनी देखो कार्बन चारियाडे मात्र दुईटा ही बॉन्ड अछि जदी कार्बन या चारियाडे 4टा बॉन्ड थांता तो से वैलेंसी सैटिस्फाई करथांता तो मोर एन जगह रे जदी मु 1 पुट करिबी अल्किन केस रे से कंपाउंड फॉर्म ही होबनी हैला तो ए जनसडा मन रखिबो तो अल्किन टा मोर n1 रो स्टार्ट होबो नाही एन जगह रे मु 1 पके परिबिनी गुटे कार्बन एटम को नै किना अल्किन रो किछि भी कंपाउंड नाही स्टेप हमें कोन करबा तो स्टार्टिंग मेंबर पे कोन नबा n = 2 पुट करबी तो n2 पुट करले देखो कोन आउसि C2H2 * 2 तोडा केता आसबो मोर C2H4 हैला तो एबे देखो C2H4 तो आकु जदी मु एक्सपांडेड फॉर्म रे लिखिबी केमिति होबो दुईटा कार्बन साइड रे केतरा हाइड्रोजन एटम अछि मोर 4टा हाइड्रोजन एटम आउ कार्बन कार्बन भितरे की बॉन्ड हेतिबो केस रे ना मोर डबल बॉन्ड तो देखो कार्बन रो वैलेंसी सैटिस्फाई होछि कि नै देखिबा ए कार्बन को लागि कि ना देखो एठी गोटा हाइड्रोजन बॉन्ड एठी गोटा हाइड्रोजन बॉन्ड आउ एठी बॉन्ड बोले ए कार्बन रो वैलेंसी सैटिस्फाई करला सेम सिंपली ए कार्बन एटम को देखो एठी दुईटा बॉन्ड एठी गोटा बॉन्ड एठी गोटा बॉन्ड टोटल 4टा बॉन्ड अछि तो मने रखितो गोट जिंस ना अल्किन रे हमरो स्टार्टिंग मेंबर जो हमें नेबा n कोठु स्टार्ट होतबो 2 स्टार्ट होतबो तो आरो आईयूपीएसी नेम टा कोन आसीबो देखो मोर एडी केतरा कार्बन एटम अछि दुईटा कार्बन एटम तो जदी दुईटा कार्बन एटम थिबो तो वर्ड रूट हिसाब रे मु कोन लिखिबी ना eth ता संगे सफिक्स टा कोन अछि मोर ene तो आनाडा कोन बोला आसीबो मोर इथीन तो आरा असला आईयूपीएसी नेम ए केस रे आरो कॉमन नेम भी थिबो तो जो कॉमन नेम टा आसीबो आ पई सेडा हाबो मोर कोन ना इथिलीन आ कॉमन नेम टा को मने रखिवा को पड़िबो आईयूपीएसी नेमिंग गुडा को पई हमरो फार्मूला अछि किंतु कॉमन नेम को मने रखिवा को ही पड़िबो ता पई आ किछि ऑप्शन नै नेक्स्ट अबे देखो एग्जांपल नबा मने करो मु n जगह रे पुट करबी 3 तो n जगह 3 पुट करले केता आसीबो मोर फार्मूला देखो C3H2 * 3 जोडा केता आसीबो C3 H6 तो डाला हमर कंडेंस्ड फॉर्म तो एबे जदी एक्सपांडेड फॉर्म रे देखिबा हमर केतरा कार्बन एटम अछि 3टा कार्बन एटम अछि तो एबे बहुत जण भाबुथिबे जो डबल बॉन्ड ता अछि सेडा कोन सबु जागो कार्बन एटम रे फिट हबो नाही सेडा मात्र को जे कोनोसी दुईटा कार्बन एटम भितरे फिट हबो देखो मु एबे देखो ए जदी मने करो मु एबे ए दुईटा कार्बन एटम भितरे पकोछि तो ए दुईटा कार्बन एटम भितरे जदी मु डबल बॉन्ड पकेछि तो आउ गोटरे मोर सिंगल बॉन्ड थिबो तो देखो कोन हिजिबो एठी गोटे डबल बॉन्ड अछि तो एठी गोटा हाइड्रोजन लगाई दिली एठी गोटा हाइड्रोजन लगाई दिली मोर 6 डर केतरा हाइड्रोजन प्लेस हेगला दुईटा हाइड्रोजन प्लेस हेगला आ केतरा हाइड्रोजन बोलि छी मोर 4टा हाइड्रोजन देखो ए कार्बन एटम को देखो एडी केतरा बॉन्ड लाग डबल बॉन्ड एडी गोटा सिंगल बॉन्ड तो 2 + 1 को 3टा बॉन्ड हे जाई छी तो आ पाखरे आ केतरा हाइड्रोजन एटम लागि परबे ना आ पाखरे गोटे हाइड्रोजन एटम लागि परबे हैला जेतबे ए कार्बन एटम को देखिबा देखो एठी गोटे बॉन्ड लागि छी तो मु आपको आ केतरा हाइड्रोजन लगाई परबे ना 3टा हाइड्रोजन एटम लगाई परबे तो देखो मोर स्ट्रक्चर टा कोन आसीला आबे तो आ नाटा कोन होबो कार्बन एटम 3टा थेबा लागि मोर नाटा कोन होबो ना प्रो सफिक्स टा कोन अछि ये नी तो ना कोन आसले हमरो प्रोपीन एबे जदी मु आरो कॉमन नेम टा लिखिबी कॉमन नेम टा हला कोन हमरो प्रोपिलीन मोर आईयूपीएसी नेम तो मु काट दे परबी कॉमन नेम टा मते मन रखबाक पड़बो जोडा होछि कोन ना प्रोपिलीन आ मु केमि लिखि परबी ना CH2 डबल बॉन्ड CH3 तो एबे हम नेक्स्ट देखिबा अल्काइन तो अल्काइन रे हमरा जनरली केतरा बॉन्ड थिबो ना 3टा बॉन्ड थिबो आर सफिक्स कोन आसीबो YNE तो देखो अल्काइन रो मोर जनरल फार्मूला कोन होबो ना जनरल फार्मूला है अल्काइन केस रे CnH2n-2 जनरल फार्मूला हला कोन ना CnH2n-2 तो अल्काइन रो मोर जदी मु आईयूपीएसी नेमिंग ता लिखिबी केमिति आसीबो आईयूपीएसी नेमिंग अल्काइन केस रे ना वर्ड रूट प्लस सफिक्स ता आसीबो मोर YNE तबे देखो फर्स्ट एग्जांपल नबा एन जगह जदी मन करो मु 1 पुट करूची कोन होबो तो एन जगह 1 पुट करले c1h2 1 - 2 जोडा हे जबो c1h0 तो मोर n1 देखिना कंपाउंड आसीबो कि अल्काइन केस रे भी नाही तो एन जगह 1 मु पुट करि परिबी कि ना एमिति किछि कंपाउंड ही नाही तो मने रखितो अल्कीन और अल्काइन पई हमरो जो फर्स्ट मेंबर टा नि आबो सेटा केते नि आबो एन जगह केते पुट करा आबो सेटा एन जगह हमरो 2 पुट करा आबो करे 2 पुट करबी कोन आसीबो मोर फार्मूला c2h2 * 2 - 2 जुडा जे हमरो c2 देखो h2 * 2 h4 - 2 c2h2 तो एबे देखो कोन आसीला C2H2 होला एटा हमर कंडेंस्ड फॉर्म एक्सपांड करके लिखिबी कोन आसीबो दुइटा कार्बन एटम ता बॉन्ड थिबो दुइटा कार्बन एटम भितरे ना तीनटा बॉन्ड तो दुइटा कार्बन एटम भितरे मो तीनटा बॉन्ड पुट कर देली आ बोलला कोन मो दुइटा हाइड्रोजन तो याड गोटा हाइड्रोजन लगे देली तो आ नाटा कोन हो देखो जे तुमरो दुइटा कार्बन एटम अछि तो वर्ड रूट हिसाब रे ना कोन आसीबो एथ हला सफिक्स ता कोन yn तो थीन देखो आर कॉमन नेम ता कोन होबो मोर न मन रखितो आर कॉमन नेम हला एसिटिलीन कॉमन नेम कोन एसिटिलीन कॉमन नेम ता मन रखिवा पड़िबो आईयूपीएस नेम ता मो स्ट्रक्चर हिसाब रे काट दिबे हला देखो जदी मो एन जगह रे 3 पुट करबे तो कोन हिजबो एन जगह रे 3 पुट करले c3h2 3 - 2 जोडा हेला मोर c3h2 6 - 2 h तीनटा कार्बन एटम मो नै गेले एबे मध्य ट्रिपल बॉन्ड ता जे कोनसी दुईटा कार्बन एटम भीतर थिबो तो जदी मो याडे पुट करली तीनटा कार्बन एटम हला तो हाइड्रोजन केतरा अछि मोर चारटा तो देखो याडो बैलेंस कर कर आसबा ए कार्बन एटम रे तीनटा बॉन्ड अछि तो आ गोटा हाइड्रोजन लागि परिबो ए कार्बन एटम रे बैलेंस हेगला नेक्स्ट ए कार्बन एटम देखो एठी तीनटा बॉन्ड अछि तो एठी हम हाइड्रोजन गोटे भी लगै परिबी कि ना एठी ए कार्बन और ए कार्बन भीतर सिंगल बॉन्ड तो एटा बैलेंस हेगला नेक्स्ट देखो ए कार्बन एटम रे याड गोटे बॉन्ड अछि तो आ केतरा याड लागि परिबो हाइड्रोजन ना तीनटा तो एठी गोटे हाइड्रोजन एठी गोटे हाइड्रोजन एठी गोटे हाइड्रोजन लगै दिलि तो एबे देखो ए जो कंपाउंड आसिला आर मु ना कोन लिखि परबी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हबो ना नै तो आ नाटा कोन आसीबो आईयूपीएस नेमिंग हिसाब रे वर्ड रूट कार्बन तीनटा कार्बन थिले ना कोन हे जबो हमरो प्रोप हला सफिक्स कोन अछि yn तो ना कोन आसिला प्रोपाइन कॉमन नेम हला कोन मिथाइल एसिटिलीन कॉमन नेम मिथाइल एसिटिलीन तो एबे हमें जो ग्रुप टा पड़ीबा सेटा हला कोन ना अल्काइल ग्रुप हला अल्काइल ग्रुप को जनरली किमिति रिप्रेजेंट करा होवे आर बोली रिप्रेजेंट करा एटा होछ सबुटु मोस्ट इंपोर्टेंट हला तमे जते जहा एबे जे पढिलचो ता परटु एबडो इंपोर्टेंट पार्ट टा स्टार्ट हला तो अल्काइल ग्रुप रो हमरा जनरल फार्मूला कोन ना देखो जनरल फार्मूला होची हमरा अल्काइल ग्रुप पई CnH2n+1 फार्मूला CnH2n+1 तो जदी मु n जगह रे 1 पुट करू छी एडा फार्मूला कोन आसीबो C1H2 1+1 जोडाइ जे हमरो C1H3 तो गोटिए कार्बन एटम थिले मोर नाडा कोन आस्तला मिथ होना नै आ लास्ट जो फिक्स्ड लागिबो सेडा हबो कोन YL मिथाइल हला जो सफिक्स ता आ पई सफिक्स हला YL हला सफिक्स हला आ पई कोन YL तो नाडा कोन आसीबो मिथाइल जदी मु n जगह रे 2 पुट करबी सेरा कोन हिजबो C2H2 2 1 जोडा हिजबो कोन C2H5 तो आना कोन दुईटा कार्बन तो कोन आसीबो इथ सफिक्स टा yl इथाइल नेक्स्ट जदी मन कर n जगह रे 3 नेबी तो कोन आसीबो C3H2 3 1 जोडा हबो C3H7 ना कोन आसीबो प्रोपाइल तो एबे गोटे जिंस मन रखिथो ना जो हमें अल्काइल ग्रुप को बे पढिले अल्काइल ग्रुप रे जो कंपाउंड गुडा को आसीला एटा को हमरो प्रीफिक्स हिसाब रे यूज होबो जतोला हमें फंक्शनल ग्रुप पढिबा फंक्शनल ग्रुप रे ए गुडा को ही हमरो प्रीफिक्स हिसाब रे यूज होबो तो देखो हम कोन पढले ना फर्स्ट रे पढले अल्केन तापरे पढले अल्कीन तापरे पढले हमें अल्काइन तापरे पढले हमें अल्काइल हला तो हमरो अल्केन ग्रुप रे सफिक्स ता कोन आस्तला एन अल्किन रे ईएन अल्काइन रे yn अल्काइल रे yl तो हमरा अल्केन रो फार्मूला कोन थिला जनरल फार्मूला CnH2n+2 अल्किन केस रे जनरल फार्मूला कोन थिला CnH2n अल्काइन केस रे CnH2n-2 अल्काइल केस रे CnH2n+1 तबे देखो अल्केन रो फर्स्ट मेंबर मोर कोन आसीबो ना मीथेन तार फार्मूला कोन CH4 आरो तो फर्स्ट मेंबर एन जगह रे 1 हम पुट करि परिबानी अल्काइल रो कोन आसीबो ना मिथाइल तार फार्मूला कोन आसीबो CH3 सेकंड मेंबर जदी हम नेबा कोन आसीबो इथेन फार्मूला कोन C2 H6 आर सेमती सेकेंड मेंबर नेले कोन आसीबो इथिन फार्मूला कोन CH2 डबल बॉन्ड CH2 आर सेमती सेकेंड मेंबर नेले कोन आसीबो इथाइन फार्मूला कोन CH ट्रिपल बॉन्ड आर सेमती सेकेंड मेंबर नेले कोन आसीबो इथाइल फार्मूला कोन C2H5 नेक्स्ट वीडियो रे आमे अल्काइल ग्रुप को नेगिना प्रीफिक्स हिसाब रे अलगा फंक्शनल ग्रुप गुडा को देखिबा तार नेमिंग गुडा को देखिबा तो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग थैंक यू।